नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बाढ़ ने जो बिहार में तबाही मचाई है वो खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये खबर मुंगेर से आई है। मुंगेर जिला जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर है। लोगों का घर पूरी तरीके से डूब चुका है। आप तस्वीरें देखिए जहां पर आपको दिखेगी कि गंगा मैया का गुस्सा दिख रहा है। जी हाँ, ये उनका घर है, ये कोई तालाब या गंगा नहीं है, ये उनका घर है जो पूरी तरीके से डूब गया है। लोग नाव का सहारा लेकर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर है। जो कुछ भी सामान बचा है वो सामान लेकर वो ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। गाँव की स्थिति बहुत खराब है, हर घर में भर छाती पानी हो गया है। यही भर की नाव से हम सहारे आ रहे हैं और बहुत बाढ़ की स्थिति अभी बहुत नाजुक है। अभी डीएम साहब, डीओ साहब आए जी गए निरीक्षण में। अभी सीताचरण जाफरनगर वहाँ पर स्थिति है, सब हर घर में भर छाती पानी हो गया है। बहुत डेंजर स्थिति है, बच्चा बुजुर्ग सब हत्या सही है। फिर कोई व्यवस्था नहीं किया गया नहीं, पानी तो भर रहा है और संभावना ज़्यादा बढ़ता है। धर्मेंद्र कुमार। तो आपने सुना कि ग्रामीण अपना दर्द किस तरीके से बयां कर रहे हैं, कितने मजबूर हैं, ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर वहां के मुंगेर के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। बढ़ रहा है, जिला प्रशासन जो है हम लोग निरंतर निगरानी रखे हुए हैं। तो जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा और हम लोगों के द्वारा बार बार मीटिंग भी किया जाता है और नीचे पदाधिकारी लोगों को निर्देश भी दिया जाता है कि अगर जो एनडीआरएफ का टीम है वो भी लगे हुए हैं और हमारा पुलिस वाले भी जो उनका राहत केंद्र पे जाके उनका समस्या का सुनना और जो जिला प्रशासन के सब पदाधिकारी लगे हुए हैं कि उनका कोई भी समस्या आता है तो तुरंत उसको निष्पादन करने में हम लोग लगे हुए हैं और अलर्ट है और सब लोग अलर्ट मोड में हैं। तो आपने सुना कि एसपी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि कैसे हम प्रबंधन कर रहे हैं, प्रशासन को लगाया गया है, साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार निगरानी रखी हुई है, लोगों को देख रही है कि बाढ़ के हालात का मुआयना कर रही है, जायजा कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कितनी भयानक है। ये बाढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर लोग कैसे नाव का सहारा ले रहे हैं। लोग अपना घर छोड़कर परिवार के साथ जो कुछ बचा कुचा सामान है उसको लेकर कैसे नाव पर सवार होकर एक ऊँचे स्थान पर जाने को मजबूर है। उनका अब कहीं और ठिकाना नहीं है, न जाने वो सड़क पर रहेंगे या फिर राहत शिविर में। हालांकि एसएसपी ये भी कहना है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए टीम भी भेजी गई है। लेकिन ये भी देखना है कि लोगों को कितनी मदद मिल पाती है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बाकी की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।